राजमहल एपिसोड 79 10 मौतें। होटल राजमहल के अंदर हर दिन एक नई मुसीबत दिव्या और विशाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अभी उन्होंने आयुषी की आत्मा को मुक्ति दिलाई ही थी कि तभी अचानक से उन्हें होटल राजमहल के अंदर किसी के मंत्र उच्चारण की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कोई हवन चल रहा हो। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दिव्या और विशाल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगे। जैसे वो दोनों ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो आवाज और भी तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग एक साथ वहां पर पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? दिव्या और विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे से रोशनी निकल रही है जैसे वहां पर किसी ने आग जलाई हुई हो। इससे पहले कि विशाल और दिव्या कुछ समझ पाते कि तभी अचानक से उनके सामने एक आग से बने चेहरे का अक्स उभरने लग जाता है जिसे देखकर विशाल और दिव्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस चेहरे से एक खौफनाक आवाज बाहर आती है। लौट जाओ, मत जाओ, वो पापी है, पापी। एक खतरनाक शैतान जो तुम्हें भी मार देगा, खत्म कर देगा तुम्हें, मिटा देगा तुम्हारा अस्तित्व। इतना कहकर वो अक्स वहीं हवा में कहीं गुम हो जाता है। ये सब देखकर विशाल और दिव्या दहशत में आ जाते हैं, लेकिन सामने के कमरे से आ रही आवाजों को देखने के लिए वो और आगे बढ़ते हैं। कांपते हाथों से विशाल वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो अचानक से सब कुछ गायब हो गया। कमरे से आती हुई वो तेज रोशनी कहीं गायब हो गई और वो कमरा किसी खंडहर में तब्दील हो गया। उस कमरे में जगह जगह धूल जमी हुई है और जहां तहां मकड़ी के बेतरतीब जाले लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से कोई उस कमरे में ना आया हो। वो दोनों कमरे को अच्छी तरह से देखते हुए अंदर आ गए। यहां पर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही विशाल ने ये कहा तभी अचानक से पता नहीं कहां से एक लाश थप की आवाज के साथ अचानक से ठीक उसके चेहरे के सामने आ गई। वो एक औरत की लाश है जिसके गले में रस्सी बंधी हुई है और उसी रस्सी से लटकी हुई है। वो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने आप को उसी रस्सी से लटका कर मार डाला हो। अचानक से अपने सामने उस लाश को देखकर दिव्या बहुत ज्यादा डर गई और उसकी चीख निकल गई। उस लाश को देखकर विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए और वो भी काफी ज्यादा घबरा गया। उस लाश के हाथ पैर और आंखों पर एक लाल पट्टी बंधी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ हो। ऐसी दर्दनाक मौत देखकर दिव्या और विशाल के कदम अपने आप पीछे हट जाते हैं। दिव्या ने डर के मारे कसकर विशाल का हाथ पकड़ा हुआ है और उन दोनों के पसीने छूट रहे हैं। तभी अचानक से एक और लाश उनके सामने आ गई। इस बार भी वो लाश रस्सी से लटकी हुई है और उसका फंदा उस लाश के गले में कसकर बंधा हुआ है। विशाल, ये सब क्या हो रहा है? दिव्या ये सब देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई आवाज में कहती है। विशाल भी डर के मारे कांप रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दिव्या, विशाल ने काफी मुश्किल से कहने की कोशिश की। वो दोनों उन लाशों को देखकर बेहद डर जाते हैं और अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं। मगर तभी देखते ही देखते एक के बाद एक वहां थप थप की आवाज के साथ 10 लाशें उसी तरह छत से लटकती हुई उनके सामने आ जाती है। विशाल! दिव्या ये सब देखकर जोर से चीख उठती है। विशाल के हाथ पैर भी डर से थर थर कांप रहे हैं। उन्होंने होटल राजमहल में एक साथ इतनी सारी लाशें आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उनके लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा भयानक और डरा देने वाला था। अभी वो दोनों अपने आप को संभाल ही रहे हैं कि तभी अचानक से उन सब लोगों की आंखों पर मौजूद पट्टियां हट जाती हैं और उनके मुंह में ठुसे हुए कपड़े
एक साथ नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और अगले ही पल एक झटके से वो सारी लाशें अपनी आंखें खोलती हैं और वो सब हैवानियत भरी आवाज में एक साथ चिल्लाने लगते हैं, इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ चाहिए। उनकी भूतिया और खतरनाक आवाज सुनकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन दोनों के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उन सभी लाशों की आंखें काफी बाहर निकली हुई हैं और वो पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। गले में रस्सी के कस जाने की वजह से उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है और उनके होंठ नीले हैं। उन सबके चेहरे बहुत खतरनाक और डरावने लग रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी इंसान डर के मारे कांपने लग जाए। पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस कमरे में रखा हुआ सारा सामान जोर जोर से हिलने लगता है। दिव्या कसकर विशाल का हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों घबराए हुए हैं, मगर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में उन दोनों की नजरें सिर्फ और सिर्फ उन लाशों पर ही टिकी हुई हैं। वो बर्फ की तरह अपनी जगह पर जम गए हैं और चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहे। तभी घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है और पूरे होटल राजमहल के अंदर आग के लपटे उठने लगती हैं और सब कुछ आग के अंदर जलकर भस्म होने लगता है। विशाल ने देखा कि उन लाशों की आंखें अभी भी उसी तरह खुली हुई हैं और वो आंखें अब भी उन दोनों को ही एक तक देख रही हैं। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा विशाल, चलो। विशाल और दिव्या ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो दोनों होटल राजमहल के दरवाजे की तरफ भागने लगे। जैसे ही उन दोनों ने दरवाजे के बाहर कदम रखा, तभी अचानक से पूरा होटल धू धू कर जलने लगा और वहीं राख हो गया। वो दोनों वहीं खड़े खड़े होटल राजमहल को खाक बनते देखते रह गए। आखिर वो सब लोग कौन थे विशाल, और हम उन लोगों को इंसाफ कैसे दिला पाएंगे? दिव्या ने कुछ सोचते हुए विशाल से पूछा। मैं भी यही सोच रहा हूँ दिव्या, मगर कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे हम इस पूरी गुत्थी को जरूर सुलझा लेंगे। अब चलो हम घर चलते हैं, यहाँ खड़े रहकर इस बारे में सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इतना कहकर दिव्या और विशाल एक दूसरे का हाथ पकड़े मल्लिका के घर की तरफ चल दिए। उन दोनों के सामने आज एक बार फिर एक नई चुनौती खड़ी है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। घर पहुंचकर दिव्या और विशाल ने देखा कि निकिता वहां पर है ही नहीं। ये निकिता कहां चली गई? विशाल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है निकिता की, चुपचाप अपने कमरे में जाकर आराम करो, बड़े आए। इतना कहकर दिव्या और विशाल दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाकर विशाल ने कुछ सोचकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, पहले शावर ले लेता हूं, उसके बाद आराम से सो जाऊंगा। ये सोचकर वो अपने कपड़े उतारने लगा, मगर तभी उसका ध्यान बाथरूम की तरफ गया जहां से पानी की आवाज आ रही है। ये देखकर विशाल को कुछ समझ में नहीं आया, आखिर इस वक्त उसके बाथरूम में कौन हो सकता है? कौन है वहां? उसने धीरे से बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पूछा, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ते बढ़ते बाथरूम तक जा पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने वाला था, तभी अचानक से किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ विशाल, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? निकिता ने बाथरूम से आकर कहा। निकिता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम यहां पर क्या कर रही हो? विशाल ने हैरानी से निकिता की तरफ देखते हुए पूछा, मगर तभी उसका ध्यान निकिता की बॉडी पर गया जिसे उसने सिर्फ एक टावल से ढका हुआ है। वो टावल भी उसे पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है। उसने एक हाथ से टावल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से वो अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही है। मेरे कमरे में नल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। क्यों, क्या मुझे यहां पर नहीं आना चाहिए था? निकिता ने बेचारी सा मुंह बनाते हुए विशाल की तरफ देखा। विशाल ने अपना चेहरा निकिता से दूसरी तरफ घुमा लिया, वो निकिता को इस हालत में नहीं देखना चाहता।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम हमारे आने तक का इंतजार भी तो कर सकती थी ना। अच्छा अब कोई बात नहीं, तुम यहाँ रेडी हो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। इतना कहकर विशाल कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा, मगर निकिता ने तुरंत उसे पीछे से आवाज लगाई। अब विशाल सुनो ना। हाँ बोलो। विशाल चलते चलते अपनी ही जगह पर रुक गया, मगर उसने पीछे मुड़कर निकिता की तरफ नहीं देखा। तुम हर वक्त मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? निकिता धीमे धीमे कदमों से विशाल की तरफ बढ़ने लगी। ये तुम क्या बोल रही हो निकिता, तुम यहाँ पर कपड़े पहन रही थी, मैंने इसलिए कहा। विशाल को समझ में नहीं आ रहा कि निकिता आखिर क्या कहने की कोशिश कर रही है और वो उसकी बातों का क्या जवाब दे। तुमने अपना चेहरा उधर क्यों घुमाया हुआ है? तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, निकिता ने विशाल के नजदीक जाकर कहा। विशाल को उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं चलता हूं, उसने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए कहा। विशाल वहां से जाने ही वाला है कि तभी अचानक से निकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ विशाल, वो बात जो मेरे मन में पिछले काफी टाइम से है, लेकिन ना जाने किस वजह से मैं तुमसे बोलने से डरती रही, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ विशाल। सच कहूँ तो अपने आप को मैं और रोकना भी नहीं चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विशाल, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर वो एक झटके से विशाल से लिपट गई। विशाल को एक बार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। वो तुरंत निकिता को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगा। ये सब तुम क्या बोल रही हो निकिता? विशाल लगातार निकिता को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा है, मगर निकिता ने कसकर उसको पकड़ा हुआ है। उसका चेहरा विशाल के सीने पर है और उसके हाथ विशाल के पूरे शरीर पर घूम रहे हैं। मुझे अपना बना लो विशाल, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, अब हमें एक हो जाना चाहिए विशाल। इतना कहते कहते निकिता का टावल नीचे गिर जाता है और विशाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता निकिता, और ना ही कर सकता हूं। तुम अभी के अभी मुझे छोड़कर मेरे कमरे से चली जाओ, प्लीज जाओ यहां से। मुझे खुद से अलग मत करो विशाल, मैं जानती हूं कि तुम भी मेरे लिए उसी तरह तड़पते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़पती हूं। तो आज हमें एक दूसरे की ये दूरी मिटा देनी चाहिए। इतना कहकर निकिता अचानक से विशाल के होठों के करीब जाने लगी, और इससे पहले कि विशाल के होठों को छू पाती तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुल गया। विशाल, वो मैं ये पूछ रही थी कि दरवाजे पर दिव्या खड़ी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वो आई तो यहां पर विशाल से कुछ पूछने के लिए थी, मगर विशाल के कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर कमरे में विशाल और निकिता एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और वो दोनों ही काफी बदहवास हालत में हैं। निकिता तो उस वक्त बिल्कुल बिना कपड़ों के मौजूद है, वहीं विशाल ने काफी कम कपड़े पहने हुए हैं और उनके बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं है। ये सब देखकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल इस तरह की हरकत करेगा। आज उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। दिव्या को देखते ही विशाल ने भी तुरंत एक झटके से निकिता को खुद से अलग कर दिया। दिव्या, मैं विशाल दिव्या से बात करने की कोशिश ही कर रहा है कि तभी अचानक से दिव्या ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उसे चुप रहने को कहा। बस बस करो विशाल, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। इसीलिए तुमने मुझे जल्दी सोने जाने के लिए कहा था ना, ताकि तुम यहां पर इस निकिता के साथ ये सब कर सको। ये कहते हुए दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दिव्या मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि विशाल अपनी बात पूरी कर पाता, दिव्या रोते रोते वहां से चली गई। दिव्या, विशाल उसका नाम लेते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा, मगर तभी निकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हो विशाल, जाने दो ना उसे। बल्कि ये तो हमारे लिए अच्छा ही है कि दिव्या को इस बारे में अपने आप पता चल गया, अब वो कम से कम तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं घूमेगी। निकिता की बात सुनकर विशाल बेहद नाराज हो गया
और उसने गुस्से में कहा, चुप रहो तुम, और खबरदार अगर दिव्या के बारे में कुछ भी कहा, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। अब चुपचाप मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन विशाल, तुम मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि निकिता कुछ कह दी, विशाल कमरे से जा चुका है। दिव्या विशाल के कमरे से भागती हुई सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि विशाल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। दिव्या, 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 दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। कमरे के बाहर विशाल पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, मगर दिव्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या प्लीज, एक बार मुझे पूरी बात समझाने का मौका तो दो, प्लीज दरवाजा खोलो। विशाल ने दिव्या से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी विशाल, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, जहाँ दूसरी लड़की देखी नहीं वही तुम्हारी नीयत बदल जाती है। तुम सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, जाओ तुम अपनी निकिता के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और इतना कहकर दिव्या ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ विशाल के कमरे से जाते ही निकिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर बीच लिया। अपने गुस्से की वजह से धीरे धीरे करके उसका चेहरा और रूप बदलने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया, उसकी आंखों के आसपास लाल घेरे बन गए और उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से काली हो गई। उसकी एक लंबी सांप के जैसी जीभ बाहर निकल आई, जिससे वो एक पूरे के पूरे इंसान को कच्चा निकल सकती है। अचानक से पूरे कमरे में तेज हवाएं चलने लगी और पत्तों की सरसराहट की आवाज आने लगी। पूरे कमरे की लाइट्स अपने आप चलने बुझने लगी और कमरे में रखा हुआ सारा सामान जोर जोर से हिलने लगा। उसकी आवाज भी बदल गई। अपनी खूंखार और खतरनाक आवाज में उसने कहा, दिव्या, तुम हर बार मेरे प्लान के बीच में आ जाती हो, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे किसी भी कीमत पर अपना काम पूरा करना ही होगा, इसके लिए मुझे तुम्हें भी रास्ते से हटाना पड़ेगा, तुम्हें वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब विशाल के नजदीक आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? निकिता आगे से ऐसा क्या करने वाली है जिससे विशाल और दिव्या की जिंदगी में नई मुसीबतों का सैलाब आ जाएगा? और होटल राजमहल में मिली इन 10 लाशों की गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे विशाल और दिव्या? आखिर क्या कनेक्शन है निकिता का विशाल के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल।